सब आई हो आप सब ठीक होंगे। आप सभी गाँव से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो जी अभी जो है ना मैंने सारा घर का काम जो है ना खत्म कर लिया है, तो नहाई हूँ फ्रेश हुई हूँ, तो अभी मैंने कहा वीडियो का आगाज करते हैं अपनी। तो जी यहाँ पे जो है ना पौधे रख लिए, तो अभी जो है ना मैं चटाई लगाऊंगी और मसाला वगैरह जो है ना बनाते हैं, तो खाना बनाना शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी जो है ना स्टार्ट करते हैं। मसाला ये पड़ा हुआ है और चिकन भी पड़ा हुआ है, साथ में जो है ना ये सारा जो सामान जाएगा चिकन में। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन व्हाइट कढ़ाई, तो उसकी रेसिपी जो है ना आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं चिकन को धो के रख देती हूँ, उसके बाद पानी रखती हूँ। चिकन जो है ना मैंने बोनलेस मंगवाया है, वैसे हड्डी वाला भी जो है ना आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना बोनलेस मंगवाया, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये समी के बाबा से मंगवाया है। मसाला जो है ना मैं वैसे ही इधर उठा के ले आई हूँ, इधर जो है ना बहुत गर्मी है, तो वहां पे जो है ना बैठ के सेम में मसाला बनाते हैं, पंखा लगा के जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। फर्श जो है ना मैं इस टाइम पे धो लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा जो है ना फिर गर्मी हो जाती है, हीट छोड़ता है फर्श, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। चिकन को जो मैं इधर ले आई हूँ, मैंने कहा हवा में रखती हूँ तो ये सूख जाएगा, क्योंकि हमने फ्राई करना है इसको। चीजें मैंने यहाँ पे सारी जना जरूरत की जमा कर ली है, तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। दही ला दे मुझे, ले आता हूँ। हाँ जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घी जी मैंने कढ़ाई में डाल लिया, तो वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो बीच में जो है ना चिकन डालते हैं, फिर तो अदरक और लहसुन जो है ना कूट लेते हैं। प्याज में ग्राइंड करके ले आई हूँ, और मिर्ची भी जो है ना हल्की सी, ये देखें ग्राइंड करके ले आई, दरदरी सी करके ले आई हूँ। बीच में जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, और साथ ही जो है ना प्याज जो मैंने ग्राइंड की थी उसका पानी जो है ना मैंने अच्छी तरह ये देखिए रिमूव कर दिया है, निचोड़ लिया है, तो अब जो है ना ये भी डाल देते हैं।
दही के बीच में मैंने जो है ना काली मिर्च और सफेद मिर्च और साथ में जो है ना धनिया पाउडर जो मैंने अभी अभी बनाया है और जीरा जो है ना कुटा है वो वाला मैंने डाल दिया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। क्रीम जो है ना मैंने पूरा डब्बा नहीं डाला क्योंकि चिकन जो है ना कम था, इस वजह से जो है ना मैंने आधा डबल डाला है। तो यहाँ पे ही हमारी जो है ना कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। चूल्हा जी मैंने बंद कर दिया, तो बीच में जो है ना धनिया पत्ता डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई जो है ना हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। आटा जी मैंने गूंद लिया है, तो अब जो है ना रोटियां बना लेते हैं। सालन जो है ना हमारा तैयार हो गया है। तो बीच में जो है ना लाइट चली गई थी, एक घंटा जो है ना लाइट चली गई, इसलिए जो है ना मैंने वीडियो जो है ना फिर नहीं बनाई, शूट नहीं की आटे की जो है ना। तो आटा मैंने गूंद लिया था, तो अब जल्दी से रोटियां बनाते हैं। वैसे तो जो है तंदूर से लगवानी थी, तो अभी जो है ना काफी लेट हो गया है, तो तंदूर का काज जो है ना फिर भी सही नहीं होता, तो इस वजह से फिर रोटियां जो है ना सही बनती नहीं है। तो मैंने कहा चले घर पे ही आज जो है ना बना लेते हैं। वैसे इसके साथ जो है ना तंदूर की रोटी या नान जो है ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी किस्मत में आज नहीं थी, मैं घर की रोटी थी। मैंने कहा घर पे जो है ना अभी बना लेते हैं। आटा भी जो है ना मैंने तंदूर के हिसाब से जो है ना गूंदा था, तो अभी आटा भी जो है ना थोड़ा सा ढीला ही है। चिड़िया का बच्चा जी कल का जो है ना घोंसले से नीचे गिरा हुआ है, तो वो कल का जो है ना हमारे पास ही है। तो आज जो है ना मैंने भी काफी कोशिश की कि वो जो है ना उड़ना सीख जाए और उड़ जाए अपनी माँ के साथ जो है ना, लेकिन नहीं वो इतना उड़ पाया जो है ना, ज्यादा उड़ान नहीं भर पाया, तो थोड़ी बहुत जो है ना उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो अभी भी हमारे पास ही है वो जो है ना, मैंने पिंजरे के ऊपर उसको बिठाया हुआ है, तो पंखा लगाया हुआ था, अभी पंखा वीडियो की वजह से जो है ना बंद किया है। वीडियो में जो है ना फिर आवाज आती है पंखे की, आपको पता है बहुत शोर आता है, वैसे भी बहुत शोर होता है ट्रैफिक की वजह से जो है ना, तो मैंने इसलिए पंखा बंद किया हुआ है। आज पता नहीं कैसी रोटियां बनती हैं। आटा जो है ना थोड़ा सा तंदूर वाला है, तो फिर वैसे भी मैंने नमक डाला हुआ है। बड़ी मुश्किल से जी चार पांच रोटियां पकी हैं, ये लास्ट वाली रोटी रह गई थी, तो गैस जो है ना चली गई है। चूल्हा ये देखे यहाँ से बटन ऑन है और नीचे से जो है ना आग नहीं जल रही है, देखे ये फ्रैंग हो गया है। टाइम को मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि लाइट चली गई थी, शुक्र है ये वाली रोटी वैसे जो है ना पक गई है। तो लाइट चली गई थी तो उसके बीच में जो है ना वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी, मैंने कहा अभी लाइट आएगी तो फिर जो है ना आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो इसका कोई भरोसा नहीं। रात में भी चली गई थी, अभी आ गई है, पता नहीं अब फिर ना चली जाए। तो जी अभी जो है ना हम खाना खाएंगे, तो आज जो है ना मैं खा के रिव्यू नहीं दे पाऊंगी आपको, मैं वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। यही थी आज की हमारी वीडियो, जिकन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।